तो दोस्तों आ गए मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज आपके लिए आए हैं करण पवार जी और ये सोनिक मेलोडी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन कराओके ट्रैक बनाने के काम में आता है ये एप्लीकेशन। तो जो लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर दे, जो लोग नहीं जानते, जानना चाहते किस तरह से कराओके ट्रैक बनाए जाते हैं, वो लोग वीडियो में आगे बने रहे। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाइए जुड़ जाइए। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं, तो जाइए आप भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं और इनको ज़रूर सपोर्ट करें, इनके वीडियोस को ज़रूर सभी लोग शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त जीतूराज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। Zeros, records, spread 0005, 00, back, 5, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण पवार। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड इस यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित की गई इस टेक कॉम्पिटिशन के लिए, तो आज हम जानेंगे कि सोनिक मेलोडी ऐप के बारे में। ये भी ऐप एकदम बेहतरीन है, बढ़िया है, जिससे कि क्या होता है दोस्तों कि कई गाने हम जो है ना YouTube से डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जब हमें कराओके पर वो गाना होता है तो कराओके YouTube पर कभी कभार किसी गाने का नहीं मिलता। तो ये सोनिक मेलोडी ऐप जो है उस गाने के वोकल को, यानी जो सिंगर की आवाज़ है उसको रिमूव करता है, इसका मतलब कराओके ट्रैक बनाता है। लेकिन बात मत भूलिएगा, हर ऐप की अपनी लिमिटेशन होती है, इसकी भी है, तो लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। थोड़ा दिक्कतें आती है इसमें भी, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, बासुरी वगैरह रिमूव करने में। तो आप जो सोनिक मेलोडी ऐप के बारे में जानते हैं वो वीडियो को स्किप कर दीजिए, और जो नहीं जानते वो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन यूट्यूब पर कॉपीराइट ना आए, मतलब अगर हमने कोई म्यूज़िक चलाया तो यूट्यूब पर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए नियमावली में यही कहा गया है कि म्यूज़िक का आवाज़ नहीं आना चाहिए, तो म्यूज़िक हम नहीं बजाएंगे। लेकिन जो है वो मैं आपको परफेक्ट सच और सच बताऊंगा, म्यूज़िक वो रिमूव ज़रूर करेगा। तो अब हम मैं सोनिक मेलोडी ऐप को ओपन करता हूँ। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो मैं सोनिक मेलोडी ये ऐप अब आ चुका है, तो इसे ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों सोनिक मेलोडी ये ऐप अभी ओपन होके आ चुका है। ये सोनिक मेलोडी का जो ये ऐप है ये अभी ओपन हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही इसमें साइन इन कर रखा है, इसलिए मुझे ये साइन इन करने को नहीं बोल रहा है। लेकिन आप जब इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको वो साइन इन करने के लिए बोलेगा, बस गूगल साइन इन विद गूगल कर देना है, ईमेल आईडी दे देना है, फिर उनके कुछ इंट्रोडक्शन आते हैं वो आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, पढ़ना है तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते करते जाइए, फिर सब पेज ख़त्म होने के बाद डन बटन आता है, या फिर आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पढ़ना है तो। फिर यह ऐप ओपन हो जाएगा, तो देखते हैं इसमें कुछ ऑप्शंस है। सोनिक मेलोडी इसकी हेडिंग है, कन्वर्टेड लिस्ट वन, मतलब कन्वर्टेड लिस्ट और वन में फ़र्क है। कन्वर्टेड लिस्ट हमारे पास वन ही नहीं है, लेकिन इसकी एक
खासियत मुझे अच्छी लगी जो मैं आपको बताता हूँ। इसको परचेस करना पड़ता है तो, लेकिन संकोच मत करिएगा, परचेस करना पड़ता है, लेकिन हम इसे बिना परचेस किए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कैसा कि अगर हमने यहाँ पर दो एड वॉच कर लिए तो हमें 1 रुपया मिलता है और 1 रुपये का एक सॉन्ग होता है। तो एक सॉन्ग हम दो एड देखने पर यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 जो है, अभी मेरे पास एक क्रेडिट है उसका, तो इसलिए अभी हमारा बन सकता है। तो अभी देखते हैं कन्वर्टेड लिस्ट, फिर उसके बाद 1 मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। एक बार Where are my files? यहाँ है अकाउंट है, ट्यूटोरियल, इनका ट्यूटोरियल पर क्लिक करने के बाद वो यूट्यूब पर ले जाता है हमें। इनका भी एक चैनल है, लेकिन वो ना ही देखे तो अच्छा है खैर, क्योंकि मैंने देखा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो आपके भी कुछ काम का नहीं रहेगा वो, क्योंकि उन्होंने टॉकबैक के साथ नहीं बनाया है ये, इसलिए Rate app white medium star 4 of 5. रेट कर सकते हैं हम यहाँ से, लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो बैक करता हूँ एक बार। Back. Sonic melody. More options. More option. Separated files are saved to downloads greater than Sonic melody. Only MP3 files allowed. If you are facing issues, watch new tutorial. https://www.youtube.com/watch?v=gl6 तो ये कह रहा है दोस्तों, जो हमने फाइल यहाँ से कन्वर्ट किए है वो हमें इंटरनल स्टोरेज यहाँ भी दिखाई देगा, लेकिन वो सेव कहाँ होगा, इंटरनल स्टोरेज में होगा और डाउनलोड फोल्डर में होगा। डाउनलोड फोल्डर में आपको सोनिक मेलोडी नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें जाने के बाद एक AI सेपरेटर का फोल्डर मिलेगा, उसमें वो मिलेगा जो हमने कन्वर्ट किया है। अगर हम कोई इशू फेस कर रहे हैं तो वो हमें वॉच न्यू ट्यूटोरियल यानी कोई नया ट्यूटोरियल देखिए इसका ऐसा। तो अभी अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सर्च बटन, यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब, पेस्ट वीडियो लिंक एडिट बॉक्स, यहाँ यूट्यूब से भी हम डायरेक्टली ऑनलाइन गाना लेकर कर सकते हैं, लेकिन हम वो अभी नहीं करेंगे। पेस्ट वीडियो लिंक मतलब जो वीडियो की लिंक हमारे पास है गाने की, वो अगर हमने यहाँ पेस्ट कर दी, सर्च कर दिया, तो फिर वो यूट्यूब से उठा लेगा गाना। सिलेक्ट फाइल बटन है यहाँ, टैप हियर टू सेपरेट, tap here to separate. यहाँ हम सेपरेट भी कर सकते हैं। White up pointing back. MP3 files only. Only यहाँ पर MP3 file allowed है. Max file size 20 MB. Maximum file size 20 MB तक आपकी होनी चाहिए. Unlabeled button. ये unlabeled button है. Web view. अभी ये सब add है, तो इसको हम tap नहीं देखते white अभी. Select file अभी button. हमारा काम का है select file button. तो इस पर हम क्लिक करते हैं अभी. Please wait. Toast message. Choose a file. Sguard storage. तो हमने जो ये है सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर दिया, तो चूज फाइल ऐसा कह रहा है, तो SD कार्ड स्टोरेज का मेरे सामने आ गया है, तो मैं SD कार्ड से चुनूंगा एक फाइल। तो SD कार्ड पर क्लिक करते हैं, मैं SD कार्ड से कर रहा हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी SD कार्ड पर क्लिक कर दिया हूँ, SD कार्ड स्टोरेज पर। Choose a file. Primary storage, 1 of Android. Audio, birthday photos. Audio, primary. Android SD card. Anub _ Jaloda, Vocalizerix 2, Anub _ हाँ, तो अब हम एक गाना चूज कर लेते हैं यहाँ। Anub _ Dur_E_Hindu_Cal_O
चलो तो ये हम क्लिक कर लेते हैं इस पर। अपलोडिंग, यहाँ वो अभी लोड ले रहा है, वो जो फाइल अपलोडिंग का है वो अपलोड फाइल हो रही है यहाँ सेपरेट होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए। तो अपलोड थोड़ा होने देते हैं इसे, फिर देखते हैं। Sonic Mill. Chasm. Down. Chasm. हाँ तो दोस्तों, अभी जो है ये फाइल अपलोडिंग का जो है पूरा हो गया है, यहाँ इसने ये कर लिया है अपलोड। और यहाँ अब हमें डाउनलोड करना है फाइल्स को, तो ये देखिए डाउनलोड बटन, यहाँ एक डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड पर हम क्लिक करते हैं। ओपन Open. तो ये डाउनलोड हो गई है, अब हम कर लेते हैं इसे ओपन। Sonic Melody. Downloaded files. Where AI underscore separated and listed. यहाँ से AI under AI separated पर क्लिक करते हैं। Uptera Vigilant. Where are my Uptera? ये गाना मैंने, ये गाने ये है और ये हमारा है कसम की कसम जो हमने किया था। Where are downloaded files? तो यहाँ अकम्पनीमेंट्स और वोकल, अकम्पनीमेंट्स एक आता है और एक वोकल आता है। तो अकम्पनीमेंट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो जो म्यूजिक है, ट्रैक है, वो उसका चलने लगता है। तो कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं उस पर क्लिक करके तो नहीं दिखाऊंगा आपके लिए आपको। और जब आप वोकल पे करेंगे तो उसका वोकल आएगा, सिर्फ सिंगर्स की आवाज़ आएगी। और जैसे शेयर आइकन पर क्लिक करते हैं उसके बाजू में, तो वह ये होता है अपना विदाउट लिंक शेयर होता है ऑडियो, व्हाट्सएप टेलीग्राम किसी पर भी अगर हम करना चाहे तो। तो बस दोस्तों यही है अगर इस ऐप की खासियत। अगर आपको ऐप अच्छा लगे तो ज़रूर डाउनलोड करें इसे एक बार और एक्सप्लोर करके देखें, ट्रैक कुछ ऐसे बनाकर देखें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच।